ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਡੇਰਾ ਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਨੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀਨਾ ਪਤਨੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जी जो थाने मूहे धरना लगा सीगा जड़ा एक बच्चिया की मौत संबंधी एक मुकदमा दर्ज कर रहे थे तो वो एक कोई लोकल लीडर सीगा जिन्हों लग रहा सीगा कि वह मूहे होना चाहिए पर असी ऑलरेडी पहला ही मुकदमा दर्ज कर रहे थे पर लोकल लीडर नू थोड़ा जा इशू ये हो रहा सीगा कि जिदा वह कराना चाहता सीगा असी मौके पर मैरिट बेस से काम कर रहे थे पर लोकल लीडर साहब नूं फिर असी थोड़ा सैटिस्फाई करने की कोशिश की पर कि जी जो मैरिट बेस ही काम होंगे ने तो उही होणगे फिर असी उहदे मुताबक अपना बयान लिख के इहदे विच मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया वा तो अगली पड़ताल जा रही है कि एक बच्ची की डैथ हो गई है तो 334 APC का असी मुकदमा दर्ज किया असी जी लड़की हीना तो उहदे घर वालों के खिलाफ किया वा जी मां ते हाँ जी हाँ जी अच्छा की कारण लगता तुहानूं इह मां ने जहर कर दित्ती इह तां जी पड़ताल तो ही चीज़ सामने आएगी अच्छा जी 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 ठीक है।